बड़ी खबर आपको बता दें, रेवाड़ी से दूल्हे और दूल्हे को घोड़ी से उतारने पर मामला दर्ज हुआ है। रेवाड़ी में दूल्हे की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। मारपीट, स्नैचिंग और एससी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। कोसली उपमंडल के गांव रतनथल का ये मामला है, जहां पर दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। इस पूरे मामले में दूल्हे ने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कई धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। इस खबर पर हमारे सहयोगी प्रेम भारद्वाज जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या है पूरा मामला? प्रेम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, प्रेम से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रेवाड़ी का यह मामला है, दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। इस मामले की शिकायत लेकर दूल्हा पुलिस के पास पहुंचा है और आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की जा चुकी है। कोसली उपमंडल के गांव रतनथल का यह मामला, तो एससी एक्ट समेत कई धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, दूल्हे की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। मारपीट, स्नैचिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, एससी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। कोसली उपमंडल के गांव रतनथल का मामला। बड़े ही अफसोस की बात है कि आज भी जातपात का जहर जो है वो इस कदर घुला है समाज के अंदर कि आज भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, जब दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया कास्ट फैक्टर की वजह से। निराशाजनक मामला। इस पूरे मामले में जो दूल्हा है वही पहुंचा पुलिस के पास अपनी आवाज लेकर, और शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है, मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट और स्नैचिंग और शेड्यूल कास्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी प्रेम भारद्वाज जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। प्रेम, क्या है पूरा घटनाक्रम? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव रतनथल का मामला है। शनिवार को एक एससी समाज का एक युवक की शादी थी और उसकी जो है निकासी निकाली जा रही थी। पूरे गांव से निकासी निकाली गई, कुछ मीटर दूर रह गई, तभी इस बाइक पर कुछ सवार अराजक तत्व आए। गांव के ही युवक थे, उन्होंने दूल्हे को नीचे उतार लिया। वो विरोध कर रहे थे कि एक जो है एससी समाज के युवक घोड़ी पर बैठकर निकासी नहीं निकाल सकता। इसी को लेकर काफी गहमागहमी हो गई। तुरंत इनकी सूचना जो है पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दूसरी घोड़ी मंगाकर जो है निकासी की जो रस्म थी उसको पूरा करवा दिया, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ था। सुबह जब समाज के लोग लगातार जो गांव के लोग समाज के लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि वो समझौता कर ले, लेकिन शाम तक समझौता नहीं हुआ, तो आखिरकार पुलिस को दो मुख्य आरोपियों सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अभी तक किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बड़े ही अफसोस की बात है कि आज भी इस तरह के मामले सामने आते हैं जब लोग जातपात के इस जहर में घुले हुए हैं। और देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन ये जो घटना है ये बहुत निराशाजनक है। सबको अधिकार है, जो रीति रिवाज है, जो अपनी शादी करने के तरीके हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर किसी को ये राइट मिलता है कि वो अपने रीति रिवाजों को फॉलो करें, लेकिन यहाँ पर एक शेड्यूल कास्ट के दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है उसकी कास्ट की वजह से। अब इस पूरे मामले में देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मेरी शादी थी और घुड़चड़ी निकल रही थी, रात को करीब 7:30-8 बज रहे थे और पूरे गांव से घुड़चन निकल चुकी थी। 200 मीटर लास्ट बच रहा था, उसमें से कुछ बंदे आए लास्ट में बाइक लेके, उन्होंने आके सीधी हाथापाई की, डीजे को बंद करवा दिया और घोड़ी वाले के साथ मारपीट की और मुझे हम सबको गाली देने लग गए। घोड़ी वाले से कहने लगे, तूने इसके लगाम कैसे खींची, ऐसे कुछ जाति सूचक शब्द बोले, अब शब्द बोलने लग गए। मेरी बुआ की लड़की है, मेरी बुआ को भी मारा पीटा उन्होंने, मेरे भाई को मारा। मेरे भाई की सोने की चैन थी वो टूट गई, वो नहीं मिली,
और नकदी थी 50,000 रुपए थी जेब में।